हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आपको जो मैंने वर्कआउट करने और जो लाइफस्टाइल फॉलो करने बोला था, उम्मीद करती हूँ कि आप वो सब फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें मैंने वॉक, योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट करने बोला था। तो एक घंटा आपको अपने लिए जरूर टाइम निकालना है। और आज मैं आपको एक ऐसा हेल्दी डिश बना रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है बनाना, और इसमें ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ये एक मैक्सिकन स्टार्टर है जिसका नाम है मैक्सिकन टाकोस। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए। टाकोस की तैयारी में मुझे एक राजमा का बैटर तैयार करना होता है, और एक मुझे सैलड तैयार करना होता है, और एक मैंने ये टाकोस बनाया है। ये टाकोस आपको मैं इसका रेसिपी बता देती हूँ। इसमें जितना आप मकई का आटा लेंगे उसका आधा आपको मैदा लेना है, और जैसे एक कप अगर आप मकई का आटा लेते हैं तो आधा कप मैदा ले लें, और 1 टीस्पून ऑयल डाल दें और थोड़ा सॉल्ट डाल दें, और इसको आप थोड़ा सा नरम जैसे आटा लगाती हो वैसे गूंद लें, और इसको कढ़ाई में थोड़ा सा चिमटा की मदद से जैसे प्रेस करके इसको ये शेप में आप इसको फ्राई कर लें। और अगर आपको इसे और हेल्दी बनाना है तो आप इसे अवन में जो जाली है उसके बीच में रख के इसको आप बेक भी कर सकते हैं। अगर आपको टाकोस का मेरा ये वीडियो चाहिएगा तो मैं जल्दी टाकोस का भी वीडियो आगे डाल दूंगी। आज मैंने ये पहले से बना रखा है, और ये मार्केट में भी बने बनाए भी मिलते हैं ये इसके शेल। उसके लिए मैंने राजमा 1 कप लिया था, इसको रात भर ओवर सोक कर दिया, और सुबह में कुकर में 6-7 विसल लगा दिया। इसको काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए कि इसको प्रेस करते ही ये बिल्कुल प्रेस हो जाए। इस तरह से ये राजमा का मेरा ये तैयार है। इसको मुझे एक राजमा का बैटर बनाना है। राजमा का बैटर बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट किया है, और इसमें मैं 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। गार्लिक 1 टीस्पून को मैंने थोड़ा सा इसको प्रेस करके किया है, इसको चॉप नहीं किया है। इससे इसमें से थोड़े से इसके रस निकल जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। गार्लिक जब तक मेरा भून रहा है, मैं इसमें 1/2 कप मैंने प्याज लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तभी आपका समझ लेना कि प्याज हो गया है। तब मैंने थोड़ा टमाटर लिया है, ये टमाटर डाल दूँ। आप चाहे तो टमाटर प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको 2 मिनट तक मैं 2 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, जिससे कि टमाटर मेरा सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक ये मेरा टमाटर गलता है तब तक मैं आपको एक सैलेड बनाना दिखा रही हूँ। ये टमाटर को थोड़ा जल्दी गल जाए इसलिए मैंने राजमा का थोड़ा पानी लिया है, वो मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ, और इसको वापस से ढक के छोड़ दे रही हूँ। तब तक मैं आपको ये सैलेड बनाना दिखाती हूँ। सैलेड बनाने के लिए मैंने जो ये टमाटर लिया है 1 कप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये जो प्याज मैंने लिया है 1 कप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इन दोनों को मुझे अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें मसाला में मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ती, और 1/2 लेमन इसमें मैं डालूंगी। सैलेड को मुझे काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करना है, जिससे कि टमाटर का रस इसमें निकल जाए। अब मेरा टमाटर ये गल चुका है, मैं इसमें जो मैंने राजमा बॉइल किया था वो राजमा मैं इसमें डाल रही हूँ। पोटैटो मैशर से इसको मैश करना है। राजमा काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है। कुछ पीस आपको थोड़ा खड़ा भी रखना है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा हलवा बना दें। इसके बाद इसमें मसाला में
नमक स्वादानुसार आप डाल दें। मैंने 3/4 स्पून डाला है और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, ये 1/2 टीस्पून इसमें भुना जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैं इसका राजमा का पानी डाल रही हूँ। और इसमें मुझे थोड़ा सा टमाटर सॉस डालना है, टमाटर सॉस आप अंदाज से डाल दो, 2 टीस्पून डाल दो और थोड़ा मैंने ये लिया है रेड चिली सॉस, ये थोड़ा मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून। इसका टेस्ट हल्का सा मीठा आना चाहिए इसलिए इसमें टमाटर सॉस डालना होता है। और इसको 5 मिनट तक कुक कर दें और थोड़ा सा मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून डालूंगी। इस तरह से मेरा राजमा का बैटर तैयार हो गया है। जो भी साबुत पीस है आप उसको आप इस स्पैटुला की मदद से इसको भी ब्रेक करते जाएं और ये थोड़ा एक दूसरे में सब मसाला मिक्स हो जाए, इस तरह से इसका मसाला तैयार कर लें। आप जो भी मसाला बनाएं उसको आप किसी अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो कोशिश करें कि उसको सर्व करने से पहले आप मसाला थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि आपका नमक ठीक है कि नहीं। इसमें टमाटर सॉस थोड़ा सा और पड़ेगा क्योंकि ये मीठा उतना नहीं लग रहा है, तो आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मसाला परफेक्ट है कि नहीं। अब मैं आपको प्लेटिंग के लिए बताती हूँ, अब ये मसाला मेरा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब जो मैंने प्याज टमाटर का सैलेड तैयार किया था इसको मैं तो और थोड़ा डालने से पहले थोड़ा प्रेस कर लूँगी और इसमें 1/2 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मिठास आना चाहिए इसके टेस्ट में, मतलब थोड़ा तीखा भी हो थोड़ा मीठा भी हो और थोड़ा नमकीन भी हो। अब मैं आपको टाकोस का प्लेटिंग करना दिखा रही हूँ। मैंने जो ये 2 टाकोस किया था इसमें सबसे पहले मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ, अगर आप इसमें लेटस हो तो लेटस भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो मैं इसमें पत्ता गोभी डाल रही हूँ। राजमा का मसाला जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें करीब 2 टीस्पून राजमा डाल जाएगा, या आपका इसका साइज के हिसाब से आप इसको देख लेना इसमें फिलिंग्स अच्छे से आए। राजमा के मसाला के बाद ये जो मैंने सैलेड तैयार किया था ये सैलेड इसके ऊपर डालेगा, ये भी आप अच्छे से डालना। टाकोस का प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी डाला, फिर राजमा का मसाला डाला, फिर मैं सैलेड डाला। अब मैंने मेयोनीज लिया है, अगर आप चाहें तो कर्ड डिप भी इसमें डाल सकते हैं, कर्ड डिप का रेसिपी मेरा पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने आज इसमें मेयोनीज लिया है क्योंकि ये बच्चों को मेयोनीज डाला हुआ बहुत पसंद आता है, तो आज मैं इसमें मेयोनीज डाल रही हूँ। मेयोनीज डालने के बाद मैं थोड़ा सा पत्ता गोभी और डाल दूंगी जिससे कि ऊपर से देखने में, मेन क्या है आप जितना अच्छे से गार्निश करोगे उतना ही आपको खाने का दिल करेगा, या किसी के सामने आप प्रेजेंट करोगे तो गार्निशिंग आपका हमेशा अच्छे से होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इस तरह से मेरा टाकोस तैयार हो गया है गार्निश होके। इसे आप सुबह में भी या शाम में इवनिंग में स्नैक्स की तरह कभी भी खा सकते हैं, या कभी कोई पार्टी कर रहे हैं तो आप स्टार्टर में इसको आराम से बना के दे सकते हो और इसकी तैयारी सारी पहले हो जाएगी तो आपको उस समय ज़्यादा लगने की जरूरत नहीं होती है। तो यह है ना, ये बड़ा झटपट और आसान तरीके से ये टाकोस, और ये उतना ही टेस्टी होता है और ये एक मैक्सिकन डिश है तो आप टाकोस कभी भी पहले से बना के रख सकते हैं। और राजमा का जब भी कोई गेस्ट या कभी भी कोई पार्टी कर रहे हो तो राजमा भिगो के रख दें और इसका बैटर तैयार कर लें, तो इस तरह से ये बहुत ही आसान से ये रेसिपी तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे या आपको ये पसंद आए तो नीचे जो लाइक बटन है उसे आप लाइक कर दें।
करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप मुझे भी अच्छा लगेगा अगर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है जिन्होंने कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दें और आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए जो एक और हेल्दी रेसिपी की तरफ मेरा वो वीडियो होगा। थैंक यू।